हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स एंड हेयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अपने हेयर की केयर कैसे करें, लंबे घने और मजबूत कैसे बनाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। फ्रेंड्स, बाल हमारी खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप कितने ही सुंदर हो, लेकिन आपके बाल अगर सूखे हैं या पतले हो या बिखरे हुए हो या आपकी लेंथ कम हो बालों की, तो आप वेल ग्रूम नहीं दिखते, आप अच्छे नहीं दिख सकते हो। कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ने लगना, सूखे और लाइफलेस बाल, पतले बाल, यह सब चीज़ें हमारे यंग या ओल्ड दोनों जनरेशन के लिए बड़ी समस्या बन गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी यह सारी प्रॉब्लम किन किन कारणों से आपको होती है और हम इन प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं अपने बालों को अच्छी देखभाल के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हेल्दी डाइट, यह हमारे बालों की जड़ों को ताकत देता है, इसलिए हेल्दी डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बाल मजबूत, घने और चमकदार रहते हैं और झड़ते भी नहीं है। इसलिए हमें अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, खान पान का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बालों की देखभाल कैसे करें यह बताऊंगी। सबसे पहले अपने बालों को साफ रखें। गर्मी के दिनों में पसीना, धूप, धूल मिट्टी ज़्यादा होता है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 बार बाल जरूर धोए। फ्रेंड्स, सर्दी में हफ्ते में 1 बार शैम्पू करें और 1 बार सिर्फ हल्के गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश कर ले। फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपके सिर की स्किन साफ रहेगी और काफी अच्छा रहेगा बालों के लिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपकी सिर की स्किन साफ रहेगी और सिर की स्किन में जो नेचुरल ऑयल बनता है वह नीचे के बालों तक पहुंचकर बालों को कंडीशन करेगा और आपके बालों को सूखने से बचाएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों के बाल सूखे रहते हैं वह लोग वीक में 1 बार शैम्पू करके हफ्ते में 2 बार वार्म वाटर से सिर धोए तो बाल सूखना काफी कम हो जाएगा। जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है वह लोग पानी में नींबू का रस मिलाकर वार्म वाटर से अपने सिर को धो ले, इससे आपका सिर भी साफ रहेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और यह काफी अच्छा रहेगा। तो आप नींबू मिलाकर अपना सिर वॉश कीजिएगा। फ्रेंड्स, बालों को अगर शैम्पू करते हैं तो बेबी शैम्पू का यूज किया कीजिए, उससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं मिले हुए होते हैं, इसलिए बेबी शैम्पू या बहुत माइल्ड शैम्पू ही यूज कीजिए। फ्रेंड्स, बेबी शैम्पूज में हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट, पैराबेंस, सोडियम क्लोराइड और फ्रेग्रेंसेस यह कम डाली जाती है, इसलिए यह शैम्पू यूज करना काफी अच्छा होता है बालों के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपके बाल अचानक झड़ना शुरू हो जाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना शैम्पू चेंज करना चाहिए। शैम्पूज में इतने केमिकल्स होते हैं, केमिकल की वजह से आपके सिर की स्कैल्प की स्किन सेंसिटाइव हो जाती है, इससे हमारे बालों की पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इससे फिर हमारे बाल झड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पहले के लोग रीठा, सिकाकाई, इन सभी का उपयोग करते थे सिर धोने के लिए, यह काफ़ी अच्छा होता था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसका यूज़ कीजिए, यह काफ़ी अच्छा होगा बालों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने बाल को कंडीशनर करना चाहते हैं तो सिर वॉश करने के बाद कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह काफ़ी अच्छा होता है, हमारे बालों को कंडीशन करता है, बालों को मुलायम बनाता है। तो यह उन कंडीशनर से काफ़ी अच्छे होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उनमें केमिकल्स भी मिले होते हैं, तो आप इन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन का ही काम करते हैं। फ्रेंड, जो लोग अपने बालों में हेयर डाई लगाते हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हेयर डाई में अमोनिया ना हो। फ्रेंड्स, अमोनिया से पहले बाल ब्लीच होते हैं, फिर उस पर आपके बालों में डाई का कलर चढ़ता है, इनसे बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इनसे आपके बाल खराब होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फिर इसके बाद आप आधी ट्रीटमेंट पर खर्चा करते रहते हैं। इसलिए अपने बालों का ख्याल रखिए, आप इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करिए अपने बालों को। फ्रेंड्स, हेयर ड्रायर का यूज़ भी रोज रोज नहीं करना चाहिए, इससे हमारे बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो हेयर ड्रायर का यूज़ भी रोज रोज नहीं करना चाहिए हमें। फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल जरूर रखें कि अपने कोंग का यूज़ किसी और को ना करने दें, अपना कोंग अलग से ही रखें। एक दूसरे के कोंग इस्तेमाल करने से
जुए फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग सकते हैं। इसलिए अपने कॉम का इस्तेमाल किसी और को यूज़ ना करने दें। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बात का ख्याल जरूर रखिए कि धूप से अपने बालों को बचाए। सूरज की धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो कि हमारे बालों को काफ़ी ख़राब करती है। यह अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे सिर की स्किन के अंदर जाकर बालों के रंग बनाने वाले सेल्स को, मेलानोसाइट्स को डैमेज कर देती है। इससे हमारे बाल काफ़ी ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लोग अधिकतर धूप में बाहर रहते हैं उनके बाल काफ़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इसलिए आप अपने बालों को धूप से प्रोटेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स जो आज मैंने आप बताया है इन सभी बातों का आप ख्याल रखिए जिससे आपके बाल अच्छे रहे, लॉन्ग रहे, वाइट बाल भी ना हो और बहुत सी प्रॉब्लम भी ना हो। तो अपने बालों का ख्याल रखिए।